दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे विंसी प्रीमियर लीग के टी10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा स्ट्राइकर्स वर्सेस रेंजर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड जरूर देखिएगा। बात करें अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर मैं आपको रिसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पर क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैब 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैब 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके अपना पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी टीम की, तो विकेट कीपर में ब्राउन का आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है। इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो ओपन करेंगे प्लस विकेट कीपर है, और लास्ट मैच के बारे में बात करूं 15 रन करे थे जो कि नॉट आउट थे, आउट नहीं हुए थे। उससे पहले इन्होंने 51 करे, फिर इन्होंने 31 रन करे, तो रिसेंट अगर देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं पॉपे के बारे में बात करें, एक और अटैकिंग बल्लेबाज, लास्ट मैच में तो भाई इन्होंने 80 रन करे, उससे पहले 33 रन इन्होंने करे, फिर 31 करे, फिर 21 रन करे और 17 रन करे। लास्ट मिनट में बॉलिंग करवाई थी तो 2 विकेट भी निकाले, बॉलिंग ये करवाते नहीं है, कम करवाते, लेकिन जब भी करवाते विकेट निकालते। उससे पहले 2 मैच पहले एक और बॉलिंग करवाई थी जिसमें 1 विकेट निकाला था, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, 2 मेरे यहाँ से विकेट कीपर रहने वाले। बैटिंग के बारे में बात करें, फ्लेचर का आपके पास मस्त ऑप्शन है, ओपन करेंगे, लास्ट मिनट में 5 रन पे आउट हो गए। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 35 करे दोस्तों, फिर 22 रन इन्होंने करे, 10 रन करे और 22 करे, अब तक उस लय में नहीं दिखे जितना इनका नाम है, तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने अभी परफॉर्म नहीं करा, लेकिन इस मैच में अच्छी पारी खेल सकती है, फिलहाल इंपॉर्टेंट है, मैं रख रहा हूँ। प्रेसट के बारे में अगर मैं बात करूं, रविंद्र के बारे में दोस्तों, नंबर 3 पे खेलेंगे, लास्ट में 3 ही रन करे, उससे पहले 28 रन करे, फिर 0 रन करे, फिर 42 करे और 19 रन करे। लास्ट 5 मैचेस में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लास्ट 5 मैचेस में तकरीबन 7 विकेट निकाले जो कि एक अच्छी चीज़ हो जाती है, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। केरन कोटी के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करेंगे, लास्ट में 3 रन करे, उससे पहले 0, फिर यहाँ पे 29 रन करे, फिर 5 रन, फिर 14 रन, लास्ट 5 मैचेस में 5 ही विकेट निकाले जिसमें लास्ट मैच में ही 4 विकेट निकाल लिए थे। बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं रख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार होता क्या है, देखिए शेलो और एस विलियम्स का ऑप्शन है, कई बार इन दोनों में से किसी को भी नंबर 3 पर भेज दिया जाता है। अब लास्ट में शेलो को नंबर 3 पर भेजे और इन्होंने 55 रन करे, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2 रन, 5 रन, 0 रन, ऐसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। फिलहाल में इन दोनों को स्किप कर रहा हूं, मैं देखूंगा इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है और क्या इनकी बैटिंग आ सकती है, क्या नहीं आएगी, तो वो सारी चीजें मैं टॉस के ऊपर छोड़ता हूं, तो वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 3 मेरे यहां से बैट्समैन रहने वाले। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, कार्लोस ब्रैथवेट का आपके पास अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, लास्ट मिनट में बैटिंग नहीं आई थी,
उससे पहले भी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले जब बैटिंग आई 9 रन करे, 0 करे और 64 रन करे। लास्ट 4 मैचेस में बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ 6 विकेट निकाले, तो आप देख सकते हो फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं प्रीमस के बारे में बात करें, नंबर 4 खेलेंगे, लास्ट मिनट में 5 रन करे, उससे पहले 25 रन इन्होंने करे, फिर 11, फिर 29 करे और 49। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ तो 5 में से 3 मैचेस में बॉलिंग करी जिसमें 6 विकेट निकाले, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर जॉन्स के बारे में बात करें, एक और आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन, बॉलिंग में विकेट निकालने की पूरी काबिलियत है इस बंदे के अंदर। जॉन्स के बारे में अगर मैं लास्ट मैच के बारे में बात करूं कि लास्ट मैच में जॉन्स का यहां से क्या परफॉर्मेंस रहा था दोस्तों, लास्ट मैच में दोस्तों 2 ओवर डाले थे, हालांकि कोई विकेट नहीं निकाले, लेकिन उससे पहले 2 विकेट, फिर इन्होंने 3 विकेट निकाले, फिर 0, 3 विकेट। तो बंदा निकालता है तो एक साथ ही विकेट निकालता है, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। जॉर्डन के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपके लिए एक और अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। वहीं दोस्तों आपके पास जॉर्डन का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए इनका क्या है, अभी 2 ओवर कभी डाल देते तो विकेट निकाल लेते, लेकिन अब लास्ट मिनट में एक ही ओवर में 19 रन दे दिए, फिर इनको ओवर नहीं मिले तो विकेट नहीं निकाल पाए। लेकिन भाई उससे पहले अगर मैं 4 मैचेस के बारे में बात करूँ तो 4 विकेट इन्होंने बैक टू बैक निकाले थे, तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो कि हमें ऐसा लगना चाहिए हाँ चलो यार इससे हम इतने पॉइंट का एक्सपेक्टेड करते कि इतने पॉइंट बंदा जो है देके जाएगा। तो फिलहाल 4 मेरे यहाँ से ऑलराउंडर रहने वाले, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेम्बर जो कि एक ऑलराउंडर के रूप में आप ले सकते हो, हार्ड हिटर बैट्समैन ही है। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूं, 43 रन करे, उससे पहले 20 रन करे और फिर 48 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट निकाले। बॉलिंग से थोड़ा सा कमजोर रहते हैं, बट बैटिंग में आपको वो है जो पूरी जो है बॉलिंग की कमी बैटिंग में पूरा करके दे सकते हैं, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं अब्राहम के बारे में बात करें, लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 0 विकेट निकाले, लेकिन उससे पहले 3 मैचेस में लगातार 3 विकेट निकाले थे, एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। बॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक और अच्छे ऑप्शन है। रीसन के बारे में अगर मैं बात करूँ, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले। जेफ्रे के बारे में बात करें, लास्ट में 0 विकेट निकाले, उससे पहले 1 विकेट निकाला था दोस्तों, और कोई खास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल मैं अब्राहम को लेकर चल रहा हूँ, 2 मेरे बॉलर है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपके पास यहां से प्रीमस और कार्लोस प्लेटफेयर का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर आप बैटिंग में जाना चाहते हो तो पॉपे और फ्लेचर के साथ चल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो तो डेम्बर के साथ चल सकते हो। फिलहाल मैं पॉपे को कैप्टन और यहां से फ्लेचर को वाइस कैप्टन कर। दोस्तों टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके अपना पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक मैंने बता ही दिया है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिए।